हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिंदास मार्केट ओपन स्टॉक में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBC एक्सपोर्ट के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी के अंदर मुझे कुछ ऐसी क्वालिटी दिखाई दे रही हैं जो आपको हजारों % का प्रॉफिट निकाल कर दे सकती हैं, क्योंकि मैंने इस कंपनी के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी देखी है। वो क्या क्या क्वालिटीज़ है मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लर्निंग पर्पज से हमेशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो। और जो लोग अभी नए आए हुए हैं उनका स्वागत है, वो भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ, जिससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ हेल्प मिले। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर SBC एक्सपोर्ट यहाँ पर क्या कह रहा है। वी आर डूइंग डिफरेंट बिजनेस, उसके बिजनेस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या क्या बिजनेस कर रहा है? गारमेंट्स में कर रहा है, कारपेट्स में कर रहा है, ठीक है, ट्रेवल्स में कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोटेड द पॉइंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर में भी काम कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नीचे और दिखाता हूँ। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 26 साल का इसको एक्सपीरियंस है। 70 डिस्ट्रीब्यूटर हैं इन इंडिया में इस कंपनी के, जो कि अभी छोटी कंपनी है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट एवरी ईयर, मतलब कंपनी को 75 नए प्रोजेक्ट मिल जाते हैं एवरी ईयर। सक्सेस एवरी ईयर 99%, मतलब 99 इसके मतलब सक्सेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इस मैं आपको अभी ले चलता हूँ स्क्रीन, मतलब फंडामेंटली इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी कैसी है, ठीक है। तो कंपनी जो है SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड 2011, इट इज एंगेज इन द ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, मैन पावर सप्लाई सर्विस एंड टोर ऑपरेटर सर्विस करेंटली, ठीक है। 70 डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया जो मैंने आपको दिखाया था, 75 न्यू प्रोडक्ट एवरी ईयर जो आपको अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो हम कुछ ज़्यादा नहीं देखेंगे, मार्केट का भी अभी इसका 164 करोड़ का है, ठीक है। इस कंपनी की ना शेयर्स में ग्रोथ हो रही है दोस्तों। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, शेयर्स में हम देखेंगे 26 करोड़ से 56 करोड़, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। देखो 3 करोड़ पर पहुँच गया है, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो 2 करोड़ से 192 करोड़, और यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 2 करोड़ की इसका नेट प्रॉफिट है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। रिजर्व कंपनी के पास आ गया है 12 करोड़ का, बोरोइंग है 9 करोड़ की, तो कंपनी लगभग डेट फ्री है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको देखनी चाहिए, और वो है दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, 68% की, मतलब पहले 66% की हिस्सेदारी हुआ करती थी, और आज है 68% की। पब्लिक के पास 31% की है। FII और DII तो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, मार्केट कैप है केवल 164 करोड़ का, तो छोटी कंपनी है इसलिए वो इसमें नहीं रुचि दिखा रहे हैं। सो दोस्तों, इस कंपनी में मेरे को क्या अच्छा लगा, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी है, शेयर्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, ठीक है, और कंपनी लगभग डेट फ्री है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी कंपनी है, मतलब इसका फंडामेंटल मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है ये कंपनी। बट मैं आपको थोड़ी सी इसके चार्ट पर ले चलता हूँ, तो वहाँ पर आप देखोगे इसके चार्ट पर, तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी में कल के दिन 9-10% का इसमें सर्किट लगा हुआ है, और अगर मैं इसमें मैक्सिमम चार्ट ओपन करके देखता हूँ तो कंपनी ने अभी तक कुछ खास रिटर्न निकाल के नहीं दिया है, लेकिन अभी गिरावट के बाद ये हो गया है, वैसे 50% का प्रॉफिट निकाल कर दे चुकी है। तो क्या सर अभी हम बाय कर सकते हैं? दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो ये कंपनी अभी थोड़ी सी ओवरबॉट जोन में चल रही है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कंपनी में अभी एंट्री पॉइंट नहीं बन रहा है, ठीक है। जब तक एंट्री पॉइंट नहीं बनेगा तब तक मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल सकता बाय करने की। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी में नॉट टू गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन, कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में चल रही है। अगर गिरावट होती है थोड़ी और एंट्री पॉइंट में आती है तो ही बाय करने की सोचना। कंपनी वैसे ठीक है, वैसे तो फंडामेंटली इस मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है शेयर, लेकिन एंट्री पॉइंट अभी ओवरबॉट जोन में है ये, ठीक है। सो अभी आप बाय करने की नहीं सोचें, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बाकी आप अपने लेवल पर रिसर्च कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हो, ब्लाइंडली बिलीव किसी पर नहीं करना है। मैं पर्सनली किसी को बाय करने की सलाह नहीं देता, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।